नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जितने भी व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएं। तो दोस्तों, बेसिकली जो हमारा चैनल है ये CNC UNC प्रोग्रामिंग, HMC प्रोग्रामिंग, क्वालिटी टूलिंग सबसे रिलेटेड है। यहाँ पर आपको NX, सॉलिड वर्क्स और ऑटोकैड वगैरह इन सब के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। साथ ही जो कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो वो क्या है कि मेरे मेल पर आप जो है मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, genuineengineersacademy@gmail.com। आप मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी कुछ दे रखा है, तो आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, बताना चाहता हूँ कि हमारा क्या है, जो ट्रेनिंग सेशन चलता है काफ़ी सारी कंपनीज़ में चलता है। सो नेक्स्ट दिसंबर में जो है हमारा जो नया प्रोजेक्ट जाने वाला है वो जाने वाला है पंतनगर में। तो वहाँ की वीडियोज़ जो कि वहाँ पर मैं सारी अपलोड जो है डायरेक्टली वो मेरे चैनल पर अपलोड करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारे जिसके बारे में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा CNC प्रोग्रामर का इंटरव्यू राउंड वन के। तो टोटली दोस्तों, मैं इसमें 5 राउंड बनाने वाला हूँ। 5 राउंड कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे आपको जैसे बड़ी MNC कंपनी होती है, जहाँ पे आपको क्या है कि कहीं स्टेजेस से गुजरना होता है, तो वहाँ पर आपका क्या क्या वेरीफिकेशन का क्या है, किस तरह से टेक्निकली राउंड होता है, क्या होता है वो चीज़ सारा कुछ। तो दोस्तों, बेसिकली मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपका जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है, जहाँ पर आपका प्रोडक्शन हेड से रिलेटेड कोई बातचीत होती है, तो उसके ऊपर मैं आपसे आपका फर्स्ट राउंड करवा रहा हूँ। बाकी HR का मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि HR से ओनली आपका बस सैलरी पैकेज वगैरह पूछा जाता है, या आपका क्या है कि बैकग्राउंड वगैरह पूछा जाता है, सारा कुछ ये चीज़ें होती है। तो मैं प्रोडक्शन प्लस HR का दोनों का एक राउंड में मिला के मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली मैंने ये चीज़ देखी दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट आपसे जो क्वेश्चन किया जाता है, हाउ मेनी एक्सपीरियंस इन दिस, अगर आपको एक्सपीरियंस कितना है, आपने जैसे CNC प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं, VMC पे, HMC पे, आपने कहीं पे भी अगर प्रोग्रामिंग की है, तो आपको टोटल एक्सपीरियंस कितना है। दोस्तों, बता देना चाहता हूँ, अगर कहीं आप रेपुटेड कंपनी में जा रहे हैं, कोई बड़ी कंपनी में जा रहे हैं, जहाँ पर वेरीफिकेशन का प्रोसेस काफ़ी लंबा है या करवाया जाता है, काफ़ी डीपली प्रोसेस है, तो वहाँ पर आपको झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल। जितना आपको 1 या 2 साल या 3 साल 4 साल है, तो 4 साल ही बताना है। ऐसा नहीं कि आपको 2 साल के फिर आपने 8 साल बता दिया, तो उससे आप फंस सकते हैं, प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये एक्यूरेट ये चीज़ बता दी है, देनी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्या है, वर्किंग प्रोफाइल इन प्रीवियस कंपनी। तो प्रीवियस कंपनी आपका वर्किंग प्रोफाइल क्या था, वो पूरी डिटेल आपको देनी है, क्या क्या आपका वर्क सेक्शन आपको दे रखा था, सारा कुछ आपको बताना है इज एग्जैक्ट जो आपका पिछली कंपनी में था, क्योंकि दोस्तों वेरीफिकेशन किया जाता है उसके अंदर भी, ठीक है। और थर्ड जो है आपका, विच पार्ट प्रोड्यूस, क्या पार्ट आपका बनता था उस कंपनी में, तो वो आपको बताना है कि कौन सा पार्ट आपका बनता था, कितने स्ट्रेचेज में वो बनता था, कहाँ पे क्या क्या था, और आपका वहाँ पे क्या काम था उस पार्ट से रिलेटेड वो चीज़। और जो सबसे मेन चीज़ होती है दोस्तों, वो ये है, अगर कोई झूठ बोलता है तो इसके अंदर फंस जाता है वो, टूलिंग यूज्ड। अगर आप बोलते हो कि मेरी कंपनी में गियर बनता है, तो गियर की टूलिंग क्या थी, अगर आप बोले कोई लीवर बनता है तो लीवर की टूलिंग क्या थी, चक और नट्स बनते हैं तो इनकी टूलिंग क्या थी, ये सारा कुछ आपको सही से बताना है। आप 1 या 2 टूल बताओगे, रफिंग के टूल बताओगे, जितने में अगला आदमी समझ जाएगा कि यार ये क्या बोल रहा है। अगर आपने ये नहीं बता पाए टूल, या इंसर्ट में उलझ गए, टूल होल्डर में उलझ गए, तो आपका काम खत्म है यहीं पर। और फिफ्थ क्वेश्चन में ये बताना चाहता हूँ आपको, फिफ्थ क्वेश्चन ये पूछा जाता है, प्रीवियस कंपनी कस्टमर प्रोडक्शन और टर्नओवर, कंपनी का टर्नओवर कितना था ये पूछा जाता है, और प्रोडक्शन का क्या वहाँ पे क्राइटेरिया है, किस तरह से उसका प्रोडक्शन है वो दिया जाता है, क्या बैच प्रोडक्शन है या मास प्रोडक्शन है, ये कुछ जानने की कोशिश करता है, और वहाँ पे आपके कस्टमर कौन कौन है, ये चीज़ सारा कुछ चीज़ पूछता है। तो दोस्तों, इस इंटरव्यू को देख के क्या है कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको तो ये वीडियो मेरी काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि क्या है कि ज़्यादातर जो लोगों ने इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, तो उनसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं दोस्तों। तो बेसिकली आपको इन क्वेश्चन पर फोकस करना है, बाकी राउंड 2 के क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आपको इसमें क्या अच्छा लगा। मेरी वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।